will take some more examples and we will explain their shapes and geometry on the basis of Hyperbolic concept. First molecule लेते हैं बेटा आज CLF5. Second लेंगे SF6. CLF5 में central atom will be chlorine, क्योंकि इसकी electronegativity fluorine के comparison में कम है और fluorine को आप हमेशा surrounding atom ही मानते हो. Fluorine का atomic number 17. Configuration in the ground state will be this. Ground state में बेटा इसके पास सिर्फ एक half filled orbital है. अगर chlorine ने कितने covalent bonds बनाने हैं 5, तो 5 covalent bonds बनाने के लिए it must have 5 half filled orbitals according to valence bond theory. क्लोरीन की एक्साइटिव स्टेट में कन्फ्यूजन क्या होगी बेटा? इस केस में हमें दो इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो हम क्या करते हैं बेटा, 3px और 3py के एक एक इलेक्ट्रॉन को आगे 3d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर ऑर्बिटल्स में शिफ्ट कर देते हैं जो पहले एम्प्टी थे. नाउ दे विल बी हाफ फिल्ड. क्लियर बेटा? नाउ दीज 6 ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल विल टेक पार्ट इन हाइड्रोजन. दे विल अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. एक s का ऑर्बिटल pk px py dk xn minus y square. ये 4 ऑर्बिटल्स बेटा जब इंटरमिक्स होंगे तो दे विल इंक्लाइन इन दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री. ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इंक्लाइन होंगे दीज 4 ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंक्लाइंड एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. ये जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग करेंगे यू विल गेट 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस. एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री. बचे कौन कौन से ऑर्बिटल्स? pz और dz स्क्वायर. ये दोनों जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और बनेंगे that will be inclined along z-axis. z-axis के along inclined होंगे like this. Suppose this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. x-axis और y-axis के inclined कौन से orbitals हैं? These 4 orbitals. Clear है? और z-axis के around कौन से orbitals involved हैं? जो hybrid orbitals इन दो orbitals से बनेंगे. pz और dz स्क्वायर. इनसे जो sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 2, दे विल बी इंक्लाइंड अलोंग z एक्सिस. और इन 4 ऑर्बिटल्स से जो 4 sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे दे विल बी इंक्लाइंड अलोंग x एंड y एक्सिस. These 6 hybrid orbitals will incline themselves along the octahedral geometry as shown here. इस तरह की geometry ले लेगी बेटा, octahedral geometry. Clear है? These will take octahedral geometry. ये जो 4 hybrid orbitals हैं, they lie in one plane. एक ही plane में lie कर रहे हैं बेटा. Clear है? XY plane में. और ये जो 2 hybrid orbitals हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. प्लेन कैसे बनता है? दो एक्सिस से. एक्स वाई एक्सिस में जो प्लेन है इसमें ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये जो बनाए हमारे pz और dz के से दे विल इंक्लाइन अलोंग द z एक्सिस. क्लियर है?
परपेंडिकुलर है, ये जो एक्सियल बोन्स बन रहे हैं दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज फोर हाइब्रिड फोर्सेस। इनके बीच में भी एंगल कितना बेटा 90 डिग्री, वो भी इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? और ये जो सिक्स sp3d2 हाइब्रिड फोर्सेस बनेंगे दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन ए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये जो सिक्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उसमें से सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें से वन इज फुली फिल्ड एंड फाइव आर हाफ फिल्ड। ये जो फाइव हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये फ्लोरीन के हाफ फिल्ड 2p(z)(1) ऑर्बिटल के साथ पार्शियली ओवरलैप करके दे विल फॉर्म फाइव कोवलेंट बॉन्ड्स। टोटल सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, इसमें से एक के पास तो लोन पेयर है और फाइव के हैं हाफ फिल्ड। जो हाफ फिल्ड होंगे वो फ्लोरीन के साथ पार्शियली ओवरलैप करके फाइव सिग्मा बॉन्ड लगा लेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में बेटा क्या होगा लोन पेयर। क्लियर है? आपको पता है लोन पेयर वहां पर रहना चाहता है जहां पर बोन एंगल क्या होता है ज्यादा, जहां पर बोन एंगल क्या होता है ज्यादा। अगर इस केस में सभी एंगल्स क्योंकि 90 डिग्री की हैं, इस केस में सभी एंगल्स 90 डिग्री की हैं, तो आप लोन पेयर को बेटा यहां भी शो कर सकते हो, ठीक है, और यहां शो कर सकते हो। आप इस केस में यहां पर इक्विटोरियल प्लेन में शो कर सकते हो और एक्सियल पोजिशन में भी शो कर सकते हो। फाइव सिग्मा बॉन्ड बनेंगे एंड देयर विल बी वन लोन पेयर। सेंट्रल एटम इज क्लोरीन, हम लोन पेयर को शो कर रहे हैं एक्सियल पेयर, बेटा आप यहां पर भी शो कर सकते हो। इस साइड पर हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। सभी एंगल्स क्या है 90 डिग्री के में है, सभी इसको कंप्लीट से ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसी है इस में? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अगर शेप कैसी होगी? क्योंकि इस केस में एक लोन पेयर आ गया तो शेप विल नॉट बी ऑक्टाहेड्रल। इस केस में बेटा शेप हो जाती है स्क्वेयर पायरामिडल, स्क्वेयर पायरामिडल। ये वेस्पर थ्योरी से भी निकाल सकते हो आप। इस केस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6। क्लियर है? वाई की वैल्यू 1 आएगी, जेड की वैल्यू क्या आएगी 5। तो वेस्पर थ्योरी रिपोर्टिंग इस शेप में से होती है स्क्वेयर पायरामिडल। वेस्पर थ्योरी रिपोर्टिंग इस शेप क्या होगी स्क्वेयर पायरामिडल। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा इसकी? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप विल बी सेम ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आ गया तो शेप विल बी स्क्वायर पायरामिडल। अगर दो लोन पेयर आ गए शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। अगर एक लोन पेयर ऊपर है एक लोन पेयर नीचे है तो इस शेप को बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर। जो हम आगे एक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे उसकी आएगी स्क्वायर प्लेनर। क्लियर बेटा? पहला मॉलिक्यूल क्लियर है CLF5। इसमें सेंट्रल एटम को पहले हमने एक्साइटेड शेप में कन्वर्ट किया, इसके पास अब फाइव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जनरेट हो गए, फाइव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। और ये जो आउटर मोस्ट शेल का 3s ऑर्बिटल है इन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग करी एंड दे प्रपोज sp3d2 हाइब्रिडेशन। ये है sp3d2 हाइब्रिडेशन करेंगे एट दीज सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म विल अरेंज देमसेल्व्स टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, एंगल बिटवीन ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 90 डिग्री इन दिस केस। इसमें से फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास तो एक एटम था जो फ्लोरीन के हाफ फील्ड 2p(z) ऑर्बिटल के साथ पार्शियल ओवरलैप करके फाइव सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। क्लियर है? एंड वन फुली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी लेफ्ट, इट विल कंटेन लोन पेयर। क्लियर है? कंप्लीट ज्योमेट्री किस तरह से होगी? क्लियर? लोन पेयर को आप एक्सियल पोजीशन में शो कर सकते हो और इक्वेटोरियल पोजीशन में शो कर सकते हो।
क्योंकि दोनों का ही बोन एंगल कितना है 90 डिग्री। क्लियर है? बोन पेयर वहां पर रहना चाहता है जहां पर बोन एंगल क्या होगा ज्यादा, इस केस में क्योंकि बोन एंगल सेम है तो आप एक्सियल भी शो कर सकते हो, इक्वेटोरियल भी शो कर सकते हो। मटेरियल भी ऑक्टाहेड्रल एंड शेप विल बी स्क्वायर पायरामिडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लॉन्ग पेयर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं SF6। SF6 में सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम, कॉन्फिगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट विल बी दिस। ग्राउंड स्टेट में इसके पास सिर्फ दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, हमें कितने चाहिए 6, क्योंकि सल्फर यहां पर 6 पोर्स बना रहा है, तो 6 हाफ फील्ड कैसे हो सकते हैं जब हम 3s और 3px के इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन्स को आगे पर मूव कर देते हैं। तो सल्फर की बिना एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फिगरेशन क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट किया गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका शिफ्ट कर दिया गया, यू विल हैव दिस टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर है? दीज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल विल अंडरगो सेम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर भी वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे, एंगल बिटवीन ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 90 डिग्री। क्लियर है? अब ये क्योंकि 6 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये फ्लोरीन के हाफ फील्ड 2p जेड ऑर्बिटल के साथ पार्शियल ओवरलैप करेंगे। दीज 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर हाफ फील्ड विल पार्शियली ओवरलैप विद 6 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ 6 फ्लोरीन एटम्स एंड यू विल गेट 6 सिग्मा बॉन्ड्स लाइक दिस। इस केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम इज सल्फर, ईच बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, 4 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स लाई इन द सेम प्लेन दैट इज नोन एज XY प्लेन, और ये जो दो बॉन्ड्स है 2 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, दे आर इंक्लाइंड अलोंग जेड एक्सिस। और ये कैसे बने थे? दीज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ pz एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स। और ये वाले कैसे बने हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 दे आर फॉर्मड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ s px py dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये होगी 4। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से ये 4 बॉन्ड्स बने हैं विच आर इंक्लाइंड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, लेते हैं बेटा XeF4 ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ज़ीनोन। ज़ीनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54 और आउटर मोस्ट शेल की कंफिगरेशन होती है 5s2 5p6। अब क्योंकि ज़ीनोन ने 4 फ्लोरीन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं, तो ज़ीनोन के पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने जरूरी है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी कंफिगरेशन क्या होगी बेटा? इस कंफिगरेशन को हम ऐसे सकते हैं 5s2 5px2 5py2 5pz2 ले सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट में इसकी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी? 5s2 5px2 5py1 5pz1 5dx²-y²1 5dz²1। दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने आगे एमपी 5d ऑर्बिटल्स में शिफ्ट कर दिया एंड यू विल गेट 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और आउटर मोस्ट शेल के 5s और 5px ऑर्बिटल्स दे विल
एक्सियल पोजीशन भी शो कर सकते हैं, आप इक्विटोरियल पोजीशन भी शो कर सकते हो। दीज फोर बॉम्ब्स विल लाई इन द सेम रीजन, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड शेप विल बी चेंज टू स्क्वेयर प्लेनर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर इन दिस ज्योमेट्री, शेप इज चेंज्ड टू स्क्वेयर प्लेनर। बेस्पर थ्योरी भी यही कहती है, अगर एक्स की वैल्यू 6 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी, जेड की वैल्यू 4 होगी, तो शेप कैसी होगी बेटा, स्क्वेयर प्लेनर लाइक दिस। क्लियर है? दिस इज अवर थर्ड मॉलिक्यूल। अभी तक हमने 3 मॉलिक्यूल्स पढ़े बेटा, एक पढ़ा है SF6, एक हमने पढ़ा है CLF5, एक पढ़ लिया है HEF4। इन तीनों में ही sp3d2 रक्ष होती है। इसमें लोन पेयर कितने होते हैं, 0, इसमें 1, इसमें 2। इस केस में ज्योमेट्री क्या होती है, सभी में ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। अगर शेप इस केस में होती है ऑक्टाहेड्रल, इस केस में स्क्वायर पायरामिडल, और इस केस में होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर शेप। क्लियर है? टू दिस
clean. Like this. Clear and this 7.5 feet hybrid hookers. 7 fluorine atom steel. 2PZ. आपने शो कर दिया
क्या हो जाएगी, इस शेप को बोलते हैं बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।